ए पिता खुदावन, तू हमें बचा। हम बहुत नरक में थे, हमें तू बचाया है। हम बहुत गलत गलत संगति में थे। ये बोल रहा हूँ कि भाई धर्मांतरण क्या किसी के चर्च आने से होता है क्या, या बोलने से हो जाता है क्या धर्मांतरण? तो कानूनन भी दी है। अचानक बाहर में ऐसा हुआ कि भगदड़ मच गई और गाली गलौज का आवाज सुनाई देने लगा, मार देंगे करके सुनाई देने लगा, चर्च के दरवाजे पर लात मारने लग। दोस्तों अभी मैं आप लोगों के साथ में एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूं जो कि छत्तीसगढ़ भिलाई से निकलकर हमारे सामने आ रहा है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर किस प्रकार से मसीह सताव है। वहां पर लोग जो हिंदू संगठन के कुछ लोग हैं वो चर्चेस के अंदर घुस जाते हैं, वो घरों के अंदर घुस जाते हैं, प्रार्थनाओं को डिस्टर्ब करते हैं, बस इस बात को लेकर के धर्मांतरण करते हैं ये लोग। लेकिन मैं आप लोगों के साथ में अभी जो वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ जो कि ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन पास्टर का नाम है पास्टर अमित कुमार और इनका एक वीडियो मैं आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूं जिनमें इन्होंने धर्मांतरण को लेकर कुछ बयान शेयर किए हैं कि धर्मांतरण एक्चुअली क्या मुद्दा है, धर्मांतरण क्या होता है, क्यों हमें धर्मांतरण के नाम पर सताया जाता है। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों आप एक लाइक जरूर करें इस वीडियो को, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए, आगे पहुंचाने के लिए हमारा बहुत ही मदद करता है, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके, लोग जान सके कि आखिर जिस धर्मांतरण के कारण, जिस झूठे बात के कारण मसीह लोगों पर सताव किया जाता है, एक्चुअली वो कोई मुद्दा है ही नहीं। धर्मांतरण का यहाँ पर कोई भी मुद्दा नहीं है, लेकिन ये जो हिंदू संगठन के कुछ लोग हैं इस बात को मुद्दा बनाकर ये हमेशा से ईसाई लोगों पर सताव करते हैं, विरोध करते हैं और तरह तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। दोस्तों अभी ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूँ, पहले आप इस वीडियो को देखिए फिर आगे हम बात करते हैं। आप पोटिया कलर के पास्टर हैं जी, जी क्या हुआ था कल? कल हम लोग चर्च में जो मेरे सीनियर हमारे जो धर्म गुरु हैं, मैं उनको और उनकी फैमिली को जो है वो डिनर के लिए मैंने इनवाइट किया था हमारे चर्च में, और चर्च में वो आए थे और हम जस्ट बैठ करके बातचीत कर रहे थे, और कल चर्च में ना कोई आराधना हो रही थी ना कोई प्रार्थना हो रही थी, हम सब आपस में बात कर रहे थे। अचानक बाहर में ऐसा हुआ, अचानक बाहर में ऐसा हुआ कि भगदड़ मच गई और गाली गलौज का आवाज़ सुनाई देने लगा, मार देंगे करके सुनाई देने लगा, चर्च के दरवाजे पर लात मारने लग गए और इस प्रकार का वातावरण होने लगा। किनके द्वारा किया है ये? कुछ असामाजिक तत्व हैं जो लगातार इस बात को बोलते हैं कि धर्मांतरण हो रहा है। परंतु मैं ये पूछता हूँ भाई, क्या धर्मांतरण मुंह से बोलने से हो जाता है? किसी के चर्च आने से कोई धर्म परिवर्तन कर लेगा? कोई मस्जिद चला जाएगा हिंदू भाई तो क्या धर्म परिवर्तन हो जाता है क्या? कोई दूसरा जात का भाई अगर दूसरे कहीं मंदिर मस्जिद या कहीं चला जाए धर्म परिवर्तन हो जाता है? अरे जाने से कैसे धर्म परिवर्तन होगा, ये तो हर कोई जानता है। धर्म परिवर्तन का एक क्रिया होता है जो कि कलेक्टर साहब के सामने में होता है और वो कानूनन होता है भाई। ये क्या होता है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, धर्म परिवर्तन के नाम पर कुछ ऐसा सामाजिक तत्व चर्च में घुस रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, और वो भी कल दो पुलिस वालों के को लेकर के वो आए, उन्हीं के सामने गाली गलौज हुआ है, उन्हीं के सामने में मारपीट हुई है, उन्हीं के सामने में धर्म गुरुओं को मारा गया है, और वो भी एक पंच से मारा गया और इतनी बुरी तरीके से मारा कि उनकी अभी भी तबीयत खराब है। अभी उनका MLC कल करवाया गया है, अभी वो शायद अभी आ गए होंगे बाहर, अभी IG साहब के पास में मिलने के लिए गए थे भाई। क्या और आराधनालय को बंद करने की धमकी दी गई है? मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई धर्मांतरण क्या किसी के चर्च आने से होता है क्या, या बोलने से हो जाता है क्या धर्मांतरण? तो कानूनन भी दी है। कल जो मारपीट हुआ चर्च में घुस के, किनके द्वारा किया गया, कितने सारे लोग आए थे? वो कम से कम 10 लोग थे, और जो लोगों को मारा गया वो लोग नाम बताते हैं, जिनको मारा गया है नाम बताते हैं। एक का नाम प्रफुल्ल पटेल बता रहे हैं नाम, और दूसरे का नाम प्रदीप सिन्हा करके ऐसा बता रहे हैं। उनके साथ में 10 लोग आए थे। आज ये विरोध क्यों, आज IG ऑफिस का घेराव क्यों चल दिया? क्योंकि कल जब हम सब मिल करके कल हम थाने गए थे और इसी के लिए गए थे कि हम FIR करें। हमने आवेदन दिया लेकिन हमारा FIR नहीं किया गया, और ये कहा गया कि जांच होगी उसके बाद हम देखेंगे। तो भाई कब जांच होगी और कब देखा जाएगा, जबकि वो लोग हमारी प्रॉपर्टी में घुसे हैं, हमारी प्रॉपर्टी में घुस करके, हमारे घर में घुस करके वो हमको मारपीट कर रहे हैं, और उनके लिए हमारे मारपीट कर रहे हैं और उनके लिए कोई एक्शन नहीं हो रहा, उनको थाने में नहीं बैठाया जा रहा, हमको थाने में बैठाया जा रहा है, ऐसा क्यों? और वो खुलेआम घूम रहे हैं।
ये मतलब ये क्या हम अपने देश में स्वतंत्र नहीं है? चंद कुछ असामाजिकता तो दादागिरी कर रहे हैं और हम पर ही एक्शन लिया जा रहा है भाई। हमारी प्रॉपर्टी में घुसकर गाली गलौज किया जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है हमारी प्रॉपर्टी में घुसकर, और हम FIR करने जाते हैं तो उनके विरुद्ध FIR नहीं होता, बुलाया जाता है हम जाँच करेंगे। तो मतलब हम न्याय के लिए आप जाए कहाँ? हमको न्याय नहीं मिल पाया इसलिए पूरा समाज आज सैकड़ों की संख्या में आप देख रहे होंगे, आज हम सैकड़ों की संख्या में इसलिए हमारे आदरणीय IG साहब से मिलने के लिए आए ताकि हमारा न्याय हो सके, उचित न्याय हो सके। भाई इतने सारे धर्म स्थान है, सबसे तो डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जा रहा है, हम ही से क्यों मांगा जा रहा है डॉक्यूमेंट, हमसे क्यों मांगा जा रहा है? और देखिए वो असामाजिक तत्व हमारे चर्च में घुसा है, मारे पीटे गाली गलौज के चल दिए, अब हमको बोला जा रहा है कि चर्च बंद रखो। लेकिन क्यों भाई हम चर्च क्यों बंद रखें, हम अपना धार्मिक स्थल क्यों बंद रखें ये बताइए ना। हम अपना धार्मिक स्थल क्यों बंद, क्या वहां पर क्या हमारे धार्मिक स्थल में क्या झगड़े हम कर रहे हैं, क्या हम दंगा करवा रहे हैं, क्या हम आतंक करवा रहे हैं वहां पर? भाई वहां पर हम प्रवचन दे रहे हैं, हमारे धर्म शास्त्र का प्रवचन दे रहे हैं, धर्म परिवर्तन की बातें कहता है हिंदू संगठन लगातार कि आप लोगों के द्वारा चर्च में बुला के बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन करा जाता है। इस चीज को क्लियर कीजिएगा कि क्या धर्म परिवर्तन होता है जब लोग आते हैं अपने साथ। देखिए मैं इस बात को फिर से एक बार दोहराना चाहता हूँ कि सबसे पहले धर्म परिवर्तन समझना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अगर वो मस्जिद चला जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो धर्म परिवर्तन करके मुसलमान हो चुका है। अगर कोई व्यक्ति चर्च चला जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्रिश्चियन हो जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। धर्म परिवर्तन का मतलब तो कानूनन प्रक्रिया है भाई, वो तो कलेक्टर के सामने उपस्थित होकर के बोला जाएगा कि मेरे को अपना धर्म परिवर्तन करना है, मेरे को ये धर्म में मेरे को इंटरेस्ट है। और जैसे कि भारत का संविधान कहता है कि भाई सबको स्वतंत्रता है अपना अपना धर्म मानने का, या जो भी धर्म आपको पसंद है वो धर्म मानने का आपको स्वतंत्रता है, संविधान हमको स्वतंत्रता देता है भाई। हम कहीं भी जा सकते हैं, हमारी आस्था अगर मस्जिद में हम मस्जिद जाएंगे इसका मतलब ये नहीं मुसलमान हो जाए, हमारी आस्था मंदिर में हम मंदिर जाएंगे इसका मतलब ये नहीं है कि भाई एक मुसलमान हिंदू हो जाएगा, हमारी आस्था अगर हम चर्च में तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्रिश्चियन हो जाएगा। ये जाने से नहीं होता है, ये तो कानूनन प्रक्रिया है भाई, ये तो कलेक्टर के पास जाने से और कानूनन बोलने से, और तब कानून में होता है पेपर ज्ञापन होता है तब मालूम चलता है एक व्यक्ति ने क्रिश्चियन धर्म को अपनाया है, इसको बोलते हैं धर्म परिवर्तन। लेकिन किसी के चर्च आने से कैसे धर्म परिवर्तन? दूसरी बात जो आपने एक बात बोला कि लोग आते हैं, देखिए आपको मैं बता दूं बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुसलमान नहीं है लेकिन वो मजार मस्जिद जाते हैं, उनकी आस्था है वो जाते हैं, लेकिन हम नहीं रोक सकते भाई क्योंकि संविधान स्वतंत्रता देता है ना सबको, जिसकी जहां आस्था है तुम जाओ, ये स्वतंत्रता है। तो कई बार किसी की आस्था मस्जिद में मजार में होती है वो जाते हैं वहां पर, किसी की आस्था मंदिर में होती है वो जाते हैं वहां पर, किसी की आस्था गुरुद्वारे में होती है वो जाते हैं वहां पर, किसी की आस्था मेरे प्रिय चर्च में होती है वो जाते हैं वहां पर। ये जो धर्म स्थान है ये किसी जात धर्म का नहीं है, यहाँ तो ईश्वर वास करता है भाई, और ईश्वर तो सबके लिए है। अभी दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया और इस वीडियो में पास्टर अमित कुमार का बयान आप लोगों ने सुन लिया होगा कि किस प्रकार से ये कह रहे हैं कि धर्मांतरण का यहाँ पर कोई खेल नहीं है, हम कोई धर्मांतरण नहीं करते हैं, परंतु लोग अपनी श्रद्धा के हिसाब से अपने विश्वास के हिसाब से प्रभु यीशु मसीह के भवन में आते हैं, वो लोग विश्वास करते हैं क्योंकि संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हम अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म को बदल सकते हैं, हम किसी भी धर्म में जा सकते हैं। लेकिन जब बात आती है प्रभु यीशु मसीह की तो यहाँ पर कोई धर्म की बात नहीं है, लोग अपनी आस्था लेकर, और अगर बात की जाए धर्मांतरण की तो वो एक अलग मुद्दा है, धर्मांतरण एक अलग काम है कि वो किस तरीके से किया जाता है वो अलग प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पर जब लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और यीशु मसीह के अनुसार अपना जीवन बिताना शुरू करते हैं, ना कि यहाँ पर किसी को लोभ लालच दिया जाता है, ना किसी को प्रलोभन दिया जाता है। आप लोगों ने साफ यहाँ पर शब्दों में सुन लिया होगा। अब बहुत से हिंदू भाई बहन जो चर्च में भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं एंड गुरुद्वार में भी जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर जो गुरुद्वारे वाले हैं जिनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं मस्जिद में जाकर वो मुसलमान बन गए, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। लेकिन लोग बात करते हैं चर्चेस में आ रहे हैं तो उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, लोग अपनी आस्था लेकर आते हैं ना कि अपने धर्म को बदलने के लिए यहां पर। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था कि जो कोई सच्चाई को जानेगा सच्चाई उसे स्वतंत्र करेगी। आज लोग सच्चाई को नहीं जानते इसलिए गुमराह हैं और इस बात को लेकर वो मुद्दा बनाते हैं। बाकी दोस्तों मैं फिर से आप लोगों के वीडियो बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो बनाना मेरा किसी भी धर्म जात को टारगेट करना नहीं है, परंतु सच्चाई लोगों के सामने रखना है। एंड आप लोग जितने मसीह भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं आप अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते किसी और वीडियो में।